जुड़ा ने कहा, सरकार ने मांगे नहीं मानी तो 23 से करेंगे असहयोग आंदोलन। अपनी मांगों को लेकर समानांतर ओपीडी चला रहे रेजिडेंट डॉक्टरों का गुस्सा अब और बढ़ता जा रहा है। 16 जुलाई से आंदोलन कर रहे जूनियर डॉक्टरों का आक्रोश इस बात को लेकर है कि आंदोलन के 5 दिन बाद भी सरकार उनसे बात तक नहीं कर रही है। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश ने कहा कि अगर सरकार ने अब ना सुनी तो 23 जुलाई से असहयोग आंदोलन करेंगे और काम बंद हड़ताल पर चले जाएंगे। बताया गया है कि जूडा को जो मानदेय दिया जा रहा है वह अत्यंत कम है। पूर्व में आश्वासन दिया गया था लेकिन सरकार शायद भूल गई है। उधर मेडिसिन विभाग, सर्जरी विभाग और नेत्र रोग विभाग के विभाग प्रमुखों से जब बात की गई तो सभी ने स्वीकारा कि जूनियर डॉक्टरों के ना रहने से काम प्रभावित हो रहा है। अगर हड़ताल पर गए तो स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा जाएगी। हम यहाँ मौजूद हैं संजय गांधी अस्पताल के ओपीडी के सामने। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने यहाँ पर समानांतर ओपीडी शुरू किया है। मैं डॉक्टर सरस से जानना चाहूँगा कि वो किन मांगों को लेकर समानांतर ओपीडी स्टार्ट किए हुए हैं यहाँ पर। अभी हमारे पूरे एमपी में जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया है अपने मौलिक अधिकारों और वेतन मान को लेकर, जिसमें कि हमारा मूल रूप से स्टाइपेंड बढ़ाने के लिए और कई मूलभूत सुविधाएं जो हम लोगों को नहीं मिल रही हैं उनको हमें उपलब्ध कराना है। इसके लिए हमने एक सांकेतिक हड़ताल शुरू की है। अभी ये पूरे एमपी के जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के जो सदस्य हैं अभी सांकेतिक हड़ताल पर है। ये हमारा 16 तारीख से चल रहा है। 16 से 22 तक हम सरकार को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि हमारी मांगें पूरी की जाएं। अगर इस दौरान जिसमें हम सांकेतिक हड़ताल कर रहे हैं, समानांतर ओपीडी चला रहे हैं, इमरजेंसी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अगर फिर भी हमारी सरकार बात नहीं सुनती है तो हम लोगों को 23 से पूर्ण असहयोग आंदोलन करना पड़ेगा जो कि पूरे मध्य प्रदेश में है। इसमें हम लोग अभी पेशेंट को किसी प्रकार की परेशानी नहीं दे रहे हैं, सारी ड्यूटी अटेंड कर रहे हैं, पेशेंट को जागरूक कर रहे हैं, उनको कई चीज़ें नेत्रदान, ब्लड डोनेशन, इसके बारे में जागरूक कर रहे हैं। कोई चीज़ जो मौसम के अनुसार बरसात के मौसम में जो बीमारियां होती हैं उनके प्रति जागरूक कर रहे हैं। अभी पेशेंट को कोई परेशानी नहीं है, ना हम सिस्टम को परेशान करना चाह रहे हैं, लेकिन अगर सरकार हमारी मांगें नहीं मानती है 22 तक तो हम 23 से फिर पूर्ण असहयोग आंदोलन पे मजबूर होते हैं। अल्टीमेटम आपका चला गया? चला गया है, सब जगह अल्टीमेटम चला गया है। मिनिस्ट्री में, सीएम को, यहाँ पे कमिश्नर में, डीन, सब लोगों का अल्टीमेटम चला। आश्वासन कुछ मिला है अभी तक? अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है सर।